हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान थे कि मैम एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो फाइनली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जितने भी यूजी पीजी कोर्सेज के हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, बीबीए, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे देखो सही से वहाँ पर डिटेल्स नहीं फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना एंड तक, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और इतने अच्छे से कोई भी यूट्यूब पर या यूट्यूब पे यहाँ पर क्लासेस वगैरह भी अच्छे से कोई और भी नहीं लेता होगा, जितने तरीके से मैं यहाँ पे आपको आपकी चीज़ें कवर करूँगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, परेशान हो कहाँ से पढ़ें, तो आपको मेरे दूसरे चैनल एंट्रेंस अड्डा बाई शिवानी पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्या है, लाइव सेशन प्लस वीडियोस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं डीडीयू की वेबसाइट पर, चेक करते हैं कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है, डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एकेडमिक्स, रिसर्च, कैंपस एंड फैसिलिटीज़, एडमिशन, एग्जामिनेशन, कैरियर। तो यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एडमिशन शेल, एडमिशन पोर्टल, नोटिस। तो आपको सेकेंड ऑप्शन पर टिक करना है, एडमिशन पोर्टल। इस पे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा अभी सर्वर बिजी चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो परेशान नहीं होना है, कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेना है। तो जल्द ही आपको दूसरा पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का पूरा एकदम बड़ा सा दिख रहा है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड। कैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ सेलेक्ट टाइप, अगर आपका यूजी प्रोग्राम है तो आप यूजी प्रोग्राम पे टिक करेंगे, अगर आप पीजी प्रोग्राम है तो पीजी पे, एमएड प्रोग्राम है तो उसका, जिसके अकॉर्डिंग। तो यूजी का आप डाउनलोड करना है आपको, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, जिसका भी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे वाले कॉलम में, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को सही से मेंशन करिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को गलत मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको ना डेट ऑफ बर्थ, और सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। या आपको समस्या आ रही है तो इस नंबर पर मुझे 8896914354 पे पूछ सकते हैं। बस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सही से मेंशन करना है, इस पर काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ना डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले सेलेक्ट डेट मंथ एंड द डेट ऑफ मंथ। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ आप सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। ओके,